दोस्तों स्वागत है आप लोग को नए वीडियो में। आज के दिन मैं रोड वाले साइड पे आया हूँ जहाँ लगभग 500 मीटर 600 मीटर तक हाईवे हम लोग का बनाना है। तो देखिए, ये पहले तो हम लोग बेड बना रहे हैं रोड के लिए, जिसे इधर मिट्टी काट के पोकलैंड द्वारा और इधर डंप की जा रही। देखिए इधर पोकलैंड चल रही है, पोकलैंड द्वारा खुदाई करके हम लोग इधर मिट्टी डाल दे रहे हैं और JCB से हम लोग इसका बेड बनवाएंगे। अभी JCB आएगी तो जो ये डंप मिट्टी है इसकी बेड बनाएगी और जो ये खुदाई की है इसमें हम लोग जितना मतलब जो अनयूज थिंग्स है, मतलब अनयूज है जो कूड़ा कबाड़ा है, उसको हम लोग इसमें फिल कर देंगे। ये हमारी सड़क 45 मीटर चौड़ी है जो कि आप देख रहे हैं कि वो रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक से लेके आपको ये दिख रहा होगा टावर से थोड़ी पहले यहाँ से लेके और इधर ये जो टावर दिख रही है यहाँ तक हम लोग को हाईवे बनाना है। तो अभी निर्माण कार्य चल रहा है बेड बनाने का और जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि जो ये पोकलैंड खुदाई की है इसमें हम लोग जितना कूड़ा है सब डाल देंगे। देखिए उधर जो जितना कूड़े का ढेर है सबको इस गड्ढे में फिलिंग किया जा रहा है। आज तक कितना लोग बेड बना पाते हैं, कार्य चल रहा है। मेरा कल रात में तो हम लोग 4 बजे तक पोकलैंड चली यहाँ पे, तब जाके इतना कार्य कंप्लीट हो पाया है। आज देखिए नाइट में वर्क होता है कि नहीं। अभी पोकलैंड जो मिट्टी वहाँ इकट्ठी हुई है उसको बेड के लिए फैला दे रहा है। उसके बाद जो कार JCB कर रही है कूड़े डालने का कार, वो पोकलैंड करेगी और JCB जो ये डंप मिट्टी है उसका बेड बनाएगी। देखिए यहाँ पे वाटर लेवल भी ऊपर है, देखिए नीचे से पानी सीकेज कर रहा है। पता नहीं दिख तो रहा है, देखिए पानी सीकेज हो रहा है इसमें से। ये अपना वर्किंग एरिया है। देखिए यही मिट्टी की ढेर है जिसमें हम लोग को बेड बनाना है रोड के लिए यहाँ से लेके वहाँ तक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।